बैक टू माय चैनल सुनीता क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सेवई की पुलाव की रेसिपी लेकर आए हैं, तो फिर से हम बनाना शुरू करते हैं। का पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ मोटा वाला सेवई लिए हैं या बैंगनों का एक पैकेट हम सेवई लिए हैं। सबसे पहले हम बॉयल कर लेते हैं। पानी हमारा बॉयल हो गया है, इसमें हल्का सा नमक डालें, थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। सेवई को हम इसमें डालते हैं। इसे हमें 5 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। हमारा देखिए 5 मिनट हो गया है, फ्लेम को बंद कर देते हैं। इसे हम छान लेंगे इस तरीके से। तक सेवई हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम इसका जो वेजिटेबल लिए हैं उसे भून लेते हैं। हाँ देखिए, वेजिटेबल में हम गाजर लिए हैं, कैप्सिकम, थोड़ा सा मिर्च, प्याज, लहसुन ग्रेट किया हुआ, अदरक ग्रेट किया हुआ लिए हैं, थोड़ा सा करी लीव्स लिए हैं, हरी मटर लिए हैं, थोड़ा सा मूंगफली का दाना लिए हैं। हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में ऑयल डालते हैं, थोड़ा सा ऑयल डालना है, 2 टेबल स्पून। इससे पहले हम मूंगफली को थोड़ा भून देते हैं। ये हमारा बादाम भून चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। तेल में हम थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। ग्रेट किया हुआ लहसुन और अदरक डाल दिए हैं, हरी मिर्च, करी लीव्स भी डाल दिए हैं। चीज़ों को हम भून लेते हैं अच्छी तरीके से। हल्दी 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/4, इसे हम लाल थोड़ा होने देते हैं। इसे थोड़ी देर ढक के पका लें ताकि मटर पक जाए अच्छी तरीके से। देखिए यह भून चुका है सारा मसाला जो है हमारा। सारे सेवई को डाल देते हैं और इसे हम चला देते हैं। हमारा देखिए सेवई का पुलाव बनकर तैयार हो गया है। अच्छी तरीके से हम सारे वेजिटेबल के साथ मिक्स कर देते हैं। इसे हमें लगभग 5 से 6 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि तो हमारा मसाला और सेवई दोनों पका हुआ है। पूरा हुआ मूंगफली भी डाल देते हैं, इसे भी मिक्स कर देते हैं। अब फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। इसे थोड़ा कोरिएंडर लीव्स डाल देते हैं। इस तरीके से आप भी सेवई का पुलाव बनाएं और खाएं। मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।